खड़ी कर दिनो ये बार अपनी दफा दोबारा मिल गई तो फिर इसे सुना नहीं भेजूंगा। ठीक है सर। बटला हाउस कब्रिस्तान से लेकर और बटला हाउस चौक तक एक ड्राइव चलाया गया जिसको एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का नाम दिया गया, जिसमें ओखला के विधायक अमानतुल्ला खान हो या फिर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अमन कमेटी हो, उन तमाम लोगों ने उस ड्राइव में साथ दिया और रेड़ी पटरियों को वहां से हटाया, ये कहकर हटाया कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है। उसके बाद से इलाके में काफ़ी फ़र्क देखने को मिला, लोगों ने भी इसकी सराहना की, तारीफ की, क्योंकि बटला हाउस का जो रोड है वो चौड़ा होने के साथ साथ इन ठेलियों की वजह से जाम से घिरा हुआ रहता था, ऐसा आम आवाम का कहना है। आज इस ड्राइव को एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम से चलाने के साथ साथ ट्रैफिक की जितनी समस्या है उसको भी समाधान ढूंढने की कोशिश दिल्ली पुलिस और अमन कमेटी के तमाम लोग मिलकर एक साथ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सहयोग मिलेगा इलाके के लोगों का दिल्ली पुलिस को, क्या इलाके के तमाम लोग कोऑपरेट करेंगे, SHO जामिया नगर, ATO जामिया नगर, उनकी पूरी टीम को, क्या इलाके के लोग इस बात को मानेंगे कि ट्रैफिक की जो समस्या है वो एक बुनियादी समस्या है जिसके बाद तमाम समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कितनी ज़रूरी है। तो यहाँ ATO जामिया नगर खालिद हुसैन हो या फिर SHO जामिया नगर कसाना साहब हो, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब मौजूद हैं। माजिद साहब, सवाल मेरा ये है कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है कितनी ज़रूरी है ये चलाना, बटला हाउस कब्रिस्तान से लेकर और बटला हाउस चौक तक जो रेड़ी पटरियाँ लगी थी, क्या आप मानते हैं कि पुलिस जो उन्हें हटा रही है वो सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है, और इसके लिए पुलिस को दाद देनी चाहिए, इसलिए कि जो बेहतर काम करे उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ कभी कभी कब्रिस्तान में जो लोग जनाजा लेकर आते वो नहीं पहुँच पाते। मेरा ख्याल है बेहतर कदम है, पहले भी हम कमेटी में हमने काम किया है और इलाके के अच्छे लोग आ रहे हैं। अभी ACP साहब आए थे, उन्होंने बहुत तवज्जो दी, SHO साहब हैं, खालिद साहब हैं, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेरा ख्याल है इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग हर वक्त हाजिर हैं और नए SHO साहब के आने के बाद जो लोगों का कोऑपरेशन इन्हें मिला है, इनका कोऑपरेशन लोगों को मिल रहा है, तो मैं इनका इस्तकबाल भी करता हूं और अच्छी उम्मीद के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह हम वक्त की कोई कैद नहीं है, जब इन्हें ज़रूरत होगी हम आएंगे, क्योंकि ये इलाके के लिए बेहतर कर रहे हैं और हमारा मकसद यही है इलाके में अमन व अमान के साथ साथ पीसफुल एटमोसफियर हो और रास्ते का इंक्रोचमेंट खत्म हो। क्योंकि देखिए ये तो मालूम है कि महेश कसाना SHO जामिया नगर ने अभी नया नया चार्ज अपना संभाला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक जल्दबाजी वाला कदम हो गया हो कि भाई फौरन एकदम से एक्शन में नज़र आ गए SHO? नहीं नहीं, पिछले बार आपने देखा होगा जो SHO यहाँ से ट्रांसफ़र होकर गए जी, उन्हें कोई मतलब नहीं था आवाम से, उन्होंने एक दौरा नहीं किया, तो मैं एक भी मीटिंग में नहीं गया। हाँ। तो ये कसाना साहब आए हैं, खालिद भाई ने खुद दिलचस्पी दिखाई है, हमें बुलाया, मोहब्बत से बुलाया, तो उम्मीद है कि अच्छा होगा और इन्होंने वादा किया है ज़ीरो टॉलरेंस का, तो हम इनके इस बात का इस्तकबाल करते हैं और ज़ीरो टॉलरेंस होगा तो हम इन्हें दूल्हा बनाएंगे यहाँ, तो जब ये यहाँ से जाएंगे इन्हें दूल्हा बनाकर भेजेंगे अच्छी उम्मीद के साथ। एक आखिरी चीज़ और जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे, इलाके के लोगों को किस तरह से सहयोग करना चाहिए इस चीज़ में? इलाके के लोग करेंगे, देखिए ऐसा है, अब मैं आया हूँ अपने इलाके में कहूँगा, लोगों को कहूँगा, तो सहयोग लोग करेंगे जब उन्हें बताया जाएगा। अब वो देखेंगे आपके इस चैनल से कि भाई इलाके के मौजूदीन इसमें शरीक हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह सहयोग करेंगे और बहुत सहयोग करेंगे। हम पसंद लोग रहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप ये तो जानते ही हैं कि महेश कसाना ने अभी चार्ज संभाला है, जामिया नगर SHO बने हैं और इलाके की जो समस्याएं हैं वो अब धीरे धीरे इनके सामने खुलती जा रही हैं, तमाम जो पेज हैं वो खुलते चले जा रहे हैं, और सबसे पहले जो एक्शन लिया गया है वो एक्शन ट्रैफिक को लेकर लिया गया, जितनी बाधित हो रही थी सड़कें उन सड़कों को साफ कराने की जिम्मेदारी ली, बटला हाउस चौक तक एक ड्राइव चलाया गया और कहा जा रहा है कि हर एक इलाके में ये ड्राइव चलेगा। हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़ रहे हैं SHO महेश कसाना साहब, सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ कि मकसद क्या है इन ड्राइव्स को चलाने का, और अभी अभी ताज़ा चार्ज आपने संभाला है तो कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे? साफ साफ मकसद बिल्कुल है कि जो भी एंक्रोचमेंट रोड साइड है लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मेन हमारा प्रायोरिटी है कि लोग ट्रैफिक जो है स्मूथ चलता रहे
लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसमें 0% टॉलरेंस है हमारी। एंक्रोचमेंट का इशू हो या ऑर्गेनाइज क्राइम का इशू हो, इसमें 0% टॉलरेंस आएगा मेरी तरफ से, यही मेरा कहना है। और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है मुझको, सहयोग दे रहे हैं लोग, लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें। आपने एक ड्राइव यहाँ चलाया बटला हाउस कब्रिस्तान से लेकर और बटला हाउस चौक तक, जो रेड़ी पटरी हटाने का और इंक्रोचमेंट हटाने का ड्राइव था, क्या आप उसमें लगता है आपको कि आप कामयाब हुए या फिर कहीं ऐसा लगता है कि कोई जल्दबाजी का कदम उठा लिया गया? नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल कामयाब रहे हैं लोग, लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं सोसाइटी के लोग, और जितनी भी हमारी अमन कमेटी है, RW हैं और जो लोग हैं पब्लिक के, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय कदम है, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ ATO जामिया नगर खालिद हुसैन भी इस वक्त मौजूद हैं। खालिद साहब, इलाके को बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, क्या इंक्रोचमेंट का मसला उसमें इतना बड़ा है कि आप लोगों को सड़क पर उतर कर उसको खुद हटाना पड़ रहा है? बिल्कुल, इंक्रोचमेंट का जो मैटर है वो काफ़ी जामिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू है, और इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन आई हैं और पहले भी आई थी, हमने पहले भी ड्राइव किया था और लेकिन ये फिर लग जाते थे, लेकिन इस बार हमने अपने सीनियर से बात करके इस ड्राइव को हमने स्टार्ट किया है, और पब्लिक को जैसे अमन कमेटी है, RWA है, MWA है, और भी जो पब्लिक के रेजिडेंस के लोग हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है इस ड्राइव में। और अभी दो दिन पहले हमने कब्रिस्तान चौक से लेके बटला हाउस चौक तक हमने ये ड्राइव चलाया और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और लोग इस पे अमल भी कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल से लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो हमारे इस ड्राइव में अपना पूरा सहयोग दें, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो इंक्रोचमेंट और ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इसे सॉर्ट आउट कर दें। और आज हमारा जो ड्राइव है कब्रिस्तान चौक पे है, जो दोनों साइड की ट्रैफिक यहाँ हमेशा ही ब्लॉक रहती है शाम के वक्त में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे भी हम नॉर्मल करें। और पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि जो हम इंक्रोचमेंट फ्री करते जा रहे हैं उसमें हमारी मदद करें, और जो हमने हटा दी जिस जगह को उस पर किसी को आने ना दें। ठीक है, तो SHO जामिया नगर, ATO जामिया नगर और उनके साथ अमन कमेटी की जो पूरी टीम है, सभी लोग मिलकर इस वक्त इलाके को किस तरह से सुधारना है उसमें जुट गए हैं, और लगातार इस ड्राइव को कहा जा रहा है कि कंटिन्यू रखा जाएगा, मुसलसल चलाया जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट आवाम के सामने होगा, जनता के सामने होगा कि अगर इस तरह की ड्राइव चलती रही तो नतीजा क्या निकलेगा। सामने तुम तराजू पकड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? नहीं, तुम्हारे यहाँ से गए समझा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? दोबारा जा खड़ी कर दिनो, ये पार्किंग नहीं दबा, दोबारा मिल गई तो फिर इसे सुना नहीं भेजूंगा। ठीक है सर, करवा दीजिए। हाँ, अब इसको अपने कहीं भी हो दे दो।